Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. So, today we are going to start our lecture number 10. So, let's start. Here we go. Okay. Uh, normally i last lecture what's last lecture, what is the difference between yao and yo so i to so explain so that's why i uh, wrote it here fine so i told you that yao, yao, and yo right Yao means when you need someone right when you want someone and yo means when you have something so here are some sentences uh, you can easily understand wo yao ping wo shouji i want apple phone or i want iphone wo yao 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 right wo yao ping wo shouji i have iphone take it's my difference i can move i i apple मतलब फोन या आईफोन चाहिए दूसरे में है कि आई हैव ठीक है तो ये इसमें डिफरेंस है नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन वे में हम आ, मतलब आ, पूछ सकते हैं नी यो नी यो वट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक वो यो वो यो मे मे आई हैव सिस्टर वो यो मे मे राइट नेक्स्ट वन इज वो पु यो नी पु यो मा You don't want to have grapes or you don't want grapes. Ni puyao. Putauma. You don't want grapes, right? Ni shi huan. ki ni shi You like. Right? means eat. Chang' mean orange, right? Miyao ma. It's mean ke ऑरेंज प आपको ऑरेंज खाना पसंद है नीमा डू यू वॉन्ट इट राइट नीमा आपको ऑरेंज खाना पसंद है आप क्या आपको चाहिए इसका मतलब ये बनता है कि नी या राइट तो इट्स वेरी सिंपल आई होप यू वुड मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग दीज वैकेबलरी नेक्स्ट थिंग ओके Here we are going to start something very new, right? इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ हम जो है ना हम uh, वैसे तो ये बहुत ज्यादा है इन चाइनीज लैंग्वेज इट इज called मेजर वर्ड्स राइट right? बट हम जो है ना इसको कुछ को जो है ना जो हम नॉर्मली यूज करते हैं या जो मुझे लगता है कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो अबाउट दिस, राइट सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं कुछ मेजर वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी अब मेजर वर्ड्स क्या होते हैं चाइनीज लैंग्वेज में बहुत सी चीजों के लिए मेजर वर्ड्स यूज किए जाते हैं राइट right? अब मेजर वर्ड्स में आपको कंसेप्ट इसका बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल हम किसी से कहते हैं कि हमें पानी दो राइट right? हम कहते हैं कि गिव मे वन ग्लास ऑफ वाटर हमें एक ग्लास पानी पिलाओ हम ये नहीं कहते कि हमें एक जग पानी पिलाओ राइट सो दिस इज मेजर वर्ड इसी तरह चाइनीज में भी है. हम इस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ uh, एक कप चाय पिला दो ठीक है एक कप अब हम एक कप कह सकते हैं एक एक कूलर नहीं कहते हैं. एक एक, एक एक मेजरमेंट बताते हैं हम किसी चीज़ के लिए ठीक है एक ग्लास वाटर एक ग्लास पानी ठीक है एक कप चाय इसी तरह से एक कप कॉफ़ी तो ये वो मेजर वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जिस तरह हमारी उर्दू की लैंग्वेज में इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज में भी हैं बहुत से वर्ड्स के लिए बहुत से वर्ड्स के लिए मेजर वर्ड्स यूज होते हैं ठीक है अब यहाँ पे जो हमारा हम लोग थ्री इन टोटल आई थिंक थ्री या फोर मेजर वर्ड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अपनी इस सेशन में लेकिन अभी जो फर्स्ट जो मेजर वर्ड हम लोग यूज करें वो है ग इसको जी ई जी नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे ग जी ई -E बनता है ग ये जो ग है ना ये हम यूज करते हैं लोगों के लिए जब हम किसी के मतलब लोगों के बारे में बता रहे होते हैं लोगों की क्वांटिटी के बारे में राइट या हम किसी चीज के बारे में कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसके बारे में बात करें या कोई कॉन्सेप्ट है ठीक है कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है लाइक <clears> कॉन्सेप्ट <throat> like आपको आपको कोई आइडिया आ सकता है राइट उस तरह की चीजें अब यहाँ पर अगर हम इसको यूज इसका गर का हम यूज़ करें यूज करें हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक ठीक है नानशंग से पहले हम क्योंकि नानशंग जो है अब मैंने कहा हम पीपल के लिए यूज कर सकते हैं तो हम अब ये नानशंग से पहले क्योंकि नानशंग एक पीपल है एक लोग कोई लोग है राइट right? उसके लिए हम यूज करें उससे पहले आपने ये लगाना जैसे हम कहते हैं वन कप ऑफ टी राइट हम कप हम ये नहीं कहते कि वन कॉफी ऑफ कप नहीं हम पहले मेजर वर्ड लगाते हैं राइट right? इसी तरह भी हमने मेजर वर्ड लग, पहले लगाना है हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे, मेरे मेरी दो बहनें हैं, मेरी दो बड़ी बहनें हैं ठीक है मैं कहूंगी व्यांग आप आपने पहले भी देखा होगा मैं सेंटेंसेस में ग यूज करती हूँ ये वही वाला ग है आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स वो यो लिया ग I have two elder brothers, right? अब यहाँ पे है उग श्वेशंग श्वेशंग मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स को हम कहते हैं राइट right? उग श्वेशंग फाइव स्टूडेंट्स राइट फाइव स्टूडेंट्स आई अगर मैं कहूंगी आई वॉन्ट फाइव स्टूडेंट राइट आई वु श्वेश आई वॉन्ट फाइव स्टूडेंट ओके होप यू विल गेट इट द नेक्स्ट थिंग इज कि हम ऑब्जेक्ट के लिए इसको कैसे यूज करेंगे संग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है वो कोई फ्रूट हो सकता है वो कोई चेयर हो सकती है सॉरी चेयर नहीं चेयर वगैरह मैं बताऊंगी आपको वो कोई फ्रूट हो सकता है राइट right? uh, वो कोई आई mm, मीन I mean, क्या हो सकता है फ्रूट हो सकता है uh, Uh, उसके अलावा मोबाइल जिस तरह हम कह देते हैं uh, और उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट राइट right? किसी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका ऑलरेडी कोई मेजर uh, वर्ड ना हो ठीक है उसके लिए हम ग यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई कुछ बताया आप उसको याद कर सकते हैं संग फिंग सांग तीन एप्पल राइट right? सु गौजी राइट टेन सेल फोन्सो फिंगो तीन एपल्स दस सेल फोन राइट अब किसी कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट ई गन थी वन थी वन थी होता है अभी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी कि व्हाट वन थी कॉल लाइक वन थी वन थी मींस क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो राइट क्वेश्चन को हम कहते हैं वन थी वन थी वन थी ईगो वन थी ठीक है वन क्वेश्चन व eagerly i have one problem or i have one question for example I class maybe use kar sakte hand raise karke laosh who are you i have a question or i have a problem right so it's like this eager xiangfa xiangfa is called like idea any idea eager xiangfa आई अगर मैं बोलूंगी कि मुझे एक आइडिया चाहिए आ, मैं कोई काम कर रही होंगी तो मैं स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके मैं कह सकती हूँ कि मुझे कोई आइडिया चाहिए वो याओ इक, हाँ, दे, शांग, पा, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया चाहिए वो याओ आई वन हाओ गाओ हाओ खाओ मीन वेरी गुड हाओ हाउ

राइट right? वो कॉन्सेप्ट हो सकता है वो आपका मैंने आपको बताया आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपका कोई आइडिया वगैरह हो सकता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं और लियांग, लियांग, लियांग उसके अलावा शू नहीं कह सकते हैं क्योंकि शू बुक का ऑलरेडी एक मेजर वर्ड है वो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी आप कह सकते हैं अः दो दोस्त राइट right? लिया जिस बहने सिस्टर ब्रदर ये इन सब के लिए आप गो यूज कर सकते हैं ठीक है ये सो दीज आर पीपल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट गो राइट सो देर सम स्मॉल सम्मेबुलरी राइट ये मैं आपको विकैबुलरी बता देती हूँ श्यांगा फा, श्यांग फा श्यांग देखे ना लेक्चर में दो तीन श्यांग, श्यांग आगे फा लगा दिया इट्स मीन आइडिया एनी आइडिया राइट एनी आइडिया आप कह सकते हैं फा आपने जो तरकीब मतलब आइडिया जो तरकीब सोची हुई है जो तरकीब होती है उसको हम कहते हैं कि श्यांगा अब आगे बंती One T One T means problem, right? Any problem or any question. Okay. Uh, for example, my ask question, like class me lecture deliver, I can say you that that Nieman, your one theme. मतलब हमारी टीचर्स इस तरह से करती थी कि जब लेक्चर डिलीवर करके एंड पे एंड ऑफ द टाइम दे वुड से दैट निया वन थीमा लाइक डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और डू यू हैव एनी क्वेश्चन नी नेम एन या वन थीमा कि डू यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम ओके द थर्ड वर्ड इज ट्र ट्र दिस 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 आपने बोला होगा ना कि ये ये चीज चाहिए राइट ये मेरी दोस्त है ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर हैं। तो यू वुड से जो मेजर वर्ड है वो लगाएंगे मा दिस इज माय मदर राइट नेक्स्ट वन इज ना ना ना

श्र थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में तो ग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि आप जो दिस वाला बोल रहे हैं ना एक होता है ना आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें मैं बोलती हूँ ना ना ना, ग, ना क ना दैट वन राइट एक आ गया विच राइट right? अब अगर मैंने कोई चीज लेनी है मैं कहूंगी कि गिव मी अ, गिव मी आई वुड से दैट सिग सिग

ना ठीक है एक है एक है ना ग एक है वो विच वाला जो है ना इसपे थर्ड टोन आएगी ठीक है थर्ड टोन आपको पता है कैसे होती है फॉलिंग फिर रेज राइट ना क ना कंग यो ना कंग यो विच फ्रेंड ना कौन 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 ठीक है तो ये वो वाला है एक है ना एक है ना एक है ना एक है ना ओके अगेन आई वुड प्रोनाउंस